और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर में बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। सरकार के मध्यस्थों की पहल के बाद राकेश्वर सिंह सकुशल लौटे हैं। इस सकुशल होने से हर कोई राहत की सांस ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल राकेश्वर सिंह से बात कर उनका हालचाल जाना। छह दिन पहले नक्सलियों के चंगुल में फंसे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की ये तस्वीरें पूरे देश को सुकून देने वाली हैं। ये देश का वीर जवान है जिसने छह दिन नक्सलियों के चंगुल में बिताए, लेकिन आज रिहाई के दिन उनके चेहरे पर झलक रहा था कि वो कैद में जरूर थे लेकिन डरे बिल्कुल भी नहीं थे। नक्सलियों ने उन्हें सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ रिहा किया और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता ने सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और उनके शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्य रास्ते भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। ये तस्वीरें देखकर जम्मू के जवान राकेश्वर सिंह के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए जो पिछले छह दिनों से गम में डूबे थे। कितनी खुशी आप देख सकते हैं, रिश्तेदार इनको वीडियो कॉल करके जो है बधाई दे रहे हैं। घर के आदमी कितनी खुशी प्रसन्नता है। बहुत बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे सरकार ने जो प्रयास किए, क्या करना, थैंक यू सो मच उनके लिए। पिछले कई दिनों से मायूसी का माहौल था। हाँ, माहौल तो था, लगता था आपको मतलब उम्मीद थी पूरी कि वो नक्सली उनको छोड़ देंगे। हाँ, पूरी उम्मीद तो थी बट डर भी था। 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमगीन था। इसी दौरान खबर आई कि कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बंधक बना लिया है। नक्सलियों ने बयान जारी कर कहा था कि जवान बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जवान की रिहाई के लिए नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थता टीम बनाने की मांग की थी। सरकार ने बेहद गुपचुप तरीके से जवान की रिहाई के लिए पद्मश्री धर्मपाल सैनी की अगुवाई में एक मध्यस्थता टीम बनाई थी जो पिछले 6 दिनों से नक्सलियों के साथ बातचीत कर रही थी। नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने कुल 11 सदस्यों की टीम बस्तर के बीहड़ में पहुंची थी, जहां नक्सलियों ने बिना शर्त राकेश्वर सिंह को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। राकेश्वर सिंह के परिवार ने सरकार से उनकी रिहाई की गुहार लगाई थी। राकेश्वर सिंह की 5 साल की बेटी ने नक्सलियों से अपने पापा को छोड़ देने की भावुक अपील की थी। गुरुवार को इस बेटी की दुआएं काम आ गईं। बेटा, पापा आपके नक्सलियों ने उनको छोड़ दिया, कितने खुश हो आप? मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, पापा जल्दी घर आ जाएंगे। अच्छा, आपने पापा से अभी फोन पर बात की, क्या कहा पापा ने? पापा ने बोला हम आ रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी आप खुश हो? बहुत ज्यादा। पहले ऐसी खबरें थी कि नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि राकेश्वर सिंह की रिहाई किन शर्तों पर हुई है। लेकिन राकेश्वर सिंह के परिवार में खुशियां लौट आई हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह का बंधक संकट खत्म तो हुआ है, लेकिन इस पूरी घटना ने देश के नक्सल संकट को फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया। नक्सलियों ने जिस तरह से सुरक्षा बलों पर यू शेप में घेरकर हमला किया था वो बेहद दुस्साहसपूर्ण था। 3 अप्रैल को क्या हालात बने थे, इसे डिकोड करने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। वीर कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह नक्सलियों के चंगुल से छूटकर सकुशल लौट आए हैं, लेकिन 3 अप्रैल का नक्सली हमला भुलाए नहीं भूलेगा। नक्सली हमले की टीस बनी रहेगी, ये हमला शूल की तरह चुभता रहेगा। नक्सली हमला तब हुआ था जब सुरक्षा बलों की टीम टॉप नक्सल कमांडर हिडमा को पकड़ने के मिशन पर निकली थी। इलाके में जोनागुड़ा के पास जुटे होने की सूचना थी। ये सूचना कोई ट्रैप थी या रणनीति में ही कोई भारी चूक हो गई अभी कह नहीं सकते, लेकिन इस हमले ने चौंकाया जरूर है। 3 अप्रैल को हमला होने से पहले सेटेलाइट तस्वीरों में कुछ हलचल दिखाई दी थी, जिसके बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी, एसटीएफ
और एक बस्तरिया बटालियन के अफसरों को नक्सली कमांडर हिडमा को दबोचने का सुनहरा मौका दिखा। शनिवार 3 अप्रैल को ऑपरेशन लॉन्च हुआ। करीब 2000 जवानों को 3 टुकड़ियों में बांटा गया। जंगल में हर टीम का ऑपरेशन एरिया निर्धारित था। लक्ष्य था 300 से 400 खूंखार नक्सलियों को चारों तरफ से घेरना और हथियार डालने के लिए मजबूर करना। लेकिन जंगल की इस लड़ाई में नक्सलियों ने अपनी तैयारी कर ली और जवानों के खिलाफ घात लगाकर बैठ गए। नक्सलियों ने खास रणनीति अपनाई, यू शेप बनाकर बैठे ताकि जवानों को 3 तरफ से घेरा जा सके और फिर मौका देखकर फायरिंग कर दी। हमारे जवान 3 तरफ से नक्सलियों की फायरिंग की रेंज में आ गए। इस हमले में भारत ने हाल फिलहाल के नक्सली खतरे का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस को नए सिरे से अंजाम पहुंचाने की जरूरत को सामने रखा है। जगदलपुर से धर्मेंद्र मोहपात्रा और धर्मेंद्र सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उस एनकाउंटर साइट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पर 3 अप्रैल को नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक की टीम ने उन गांव वालों से भी बात की जिन्होंने नक्सलियों ने पहले ही गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और उन घरों का भी जायजा लिया जहां छिपकर नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर गोलियां चलाई थी। जहां हुई थी नक्सलियों और सुरक्षा बलों में खूनी भिड़ंत, जहां चली थी 6 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां, बीजापुर के उस ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है आज तक। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है। ये वही घटना स्थल है जहां पे माओवादियों ने खूनी खेल खेला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर सिलगर का जंगल, यहां से 30 किलोमीटर ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के 2 ही तरीके हैं, पहला पैदल और दूसरा मोटरसाइकिल। आज तक की टीम ने मोटरसाइकिल को चुना। हम इस वक्त मोटरसाइकिल से जा रहे हैं घटनास्थल की तरफ जहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, एनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच में। आज तक आपको सीधा वहीं लेके जा रहा है। इस वक्त हम लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे पहले भी जा चुके हैं और आपको बता दें ये एरिया बहुत टफ है। आसपास देखेंगे तो घाटी भी है और जंगल भी है और यहाँ पर आज तक आपको सीधा रिपोर्ट दिखा रहा है। ये घने जंगल ही नक्सलियों के ठिकाने हैं जिसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे उस गांव में जहां 3 अप्रैल को कई घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। अब इस गांव में सन्नाटा पसरा है। हमने कोई ऐसा कुछ डर नहीं लगा। कोई गोली की आवाज सुनाई दी? हाँ, सुनाई दी हमने की। क्या हुआ था? कितने बजे हुआ? क्या हुआ? सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला। 5 बजे तक फायरिंग हुआ। उसके फायरिंग होने के बाद वो लोग चले गए, नक्सल लोग चले गए, वो लोग भी वापस चले गए। फिर लांच दूसरा दिन लाने गए थे पुलिस में। ये वही जगह है जहां नक्सलियों ने 3 तरफ से घेरकर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और यही वो घर हैं जिनकी आड़ लेकर नक्सलियों ने जवानों के खून बहाए। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी। तीनों तरफ से गोलियां बरसाई गई सुरक्षा बलों पे और वो एक तरफ भाग कर आए। काफी हद तक कई अर्धसेना बल के जवान और साथ में पुलिस के जवान इस गांव की तरफ भागे और इसी वजह से जो अंदर छुपे नक्सली हैं उन्होंने अपने निशाना पे सुरक्षा बलों को लाया। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी बन रही है ताकि हर मुमकिन तरीके से जो TCOC चलाती है नक्सल के जो कमांडर्स हैं टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल तैयार हैं। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन टॉप नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए था, जिंदा या फिर मुर्दा। इससे पहले भी कई बार इस इलाके में हिडमा के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। सूत्रों के मुताबिक खुद हिडमा ने इस इलाके में खुद के छिपे होने की अफवाह फैलाई थी और नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले की
पूरी प्लानिंग करके आए थे। घटनास्थल के पास ये है जीरम गांव, जहां पे कई अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल के जवान यहां पे चलते हुए आए जब गोलियां चल रही थी। लेकिन यहां पे भी इंतजार कर रहा था एक और बड़ा एम्बुश, क्योंकि माओवादियों ने अंदर घरों के अंदर से निशाना साधा इन अर्धसैनिक बलों पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले 3 बार ऐसी सूचना आई जहाँ पे पेट्रोलिंग उसके बाद की गई कि हिडमा, जो कि पीएलजी कमांडर का बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, वो यहाँ पर मौजूद है। हर बार कोई नहीं मिलता था, लेकिन इस बार एक एसओपी का वायलेशन हुआ है, ऐसा सीनियर ऑफिसर्स हमें बताते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर गांव में सन्नाटा हो, कोई ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि एम्बुश होने वाला है, और शायद ऐसा ही हुआ। पहाड़ी चढ़े, उसके बाद वही नक्सली बना के घेर ले में, नक्सली बनिया ये गांव में नहीं थे, मतलब उन लोग गांव होते पहले ही गांव होते गए में पहाड़ी चढ़े, तब नक्सली मन फिर आके घेर ले में, इधर कहीं जंगल में थे होंगे। जीरम गांव में हुई इस खूनी मुठभेड़ में भारतीय जवानों ने नक्सलियों से जमकर लोहा लिया। नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन मुठभेड़ के बाद नक्सली अपने घायल साथियों और लाशों को ट्रैक्टर में भर कर ले गए और सीआरपीएफ के एक जवान को बंधक भी बना लिया। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुरक्षा बल उन्हें निशाना बनाएंगे और उनके कई कमांडर मारे जाएंगे, और शायद इसी वजह से इस तरह के जो ट्रैक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया है माओवादियों ने, ताकि वो यहां से वो बॉडीज ले जाए और साथ में जो चुराया हुआ सामान है, यानी गन्स हैं, वेपन्स हैं, जूते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, वो तक ले गए वो यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो खूनी खेल माओवादियों ने खेला है सुरक्षा बलों के साथ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब दिया भी जाएगा। घने जंगलों के बीच 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ उसका असर आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। जब हम इन जंगलों से वापस निकल रहे थे तो सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी जंगल की तरफ जा रही थी। अपने साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए उनकी बेचैनी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। बीजापुर के इस इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रूप्स टैक्टिकल तरीके से चल रही हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनकाउंटर होने के बाद सुरक्षा बल और चौकन्ने हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि उन्हें एक फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो नक्सलियों को अपने तरीके से जूझ पाए। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ कमलजीत संधू, बीजापुर आज तक। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्यों में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 7,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बीच राजधानी के बड़े अस्पताल गंगाराम से खबर है कि वहां पर 37 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। उन सभी डॉक्टर को वैक्सीन लग चुका था बताया जा रहा है, उसके बावजूद ये सभी संक्रमित हो गए हैं, जिनमें से 32 बताया जा रहा है जो कि होम आइसोलेशन में है और बाकी जो है उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। यूपी के 7 शहरों में बीती रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे कोरोना कर्फ्यू कहा है। कल तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक थी। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। पहले राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उसके बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कुल 7 शहरों में लगाया गया है नाइट कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण की प्रचंड रफ्तार, एक दिन में मामले 1.25 लाख पार। क्या नाइट कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना? क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है? जी हाँ, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर अपने विकराल रूप में है। राज्य सरकारों के हाथ पांव फूले हुए हैं। राजधानी दिल्ली में तो 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो अब दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और इससे सटे मेरठ जिले में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जनपद गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश आज रात से प्रभावी हो जाएंगे। इसका समय रात्रि 10 बजे से
प्रातःकाल 5 बजे तक का रखा गया है। कोविड संक्रमण से बचने के लिए गाजियाबाद और नोएडा में प्रशासन ने एहतियातन नया फैसला किया है, जरा उनके बारे में भी जान लें। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में रोजाना 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तीनों शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तीनों शहरों में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आवश्यक सामान और सुविधाओं की सप्लाई के लिए नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। जरूरी और मेडिकल सेवाओं के लिए भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देर रात का वक्त है और तमाम गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद ही उनको दिल्ली से नोएडा जो है आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। जिसके पास एसेंशियल सर्विस से जुड़ा पास है उसी को जाने की इजाज़त जो है वो फिलहाल नोएडा के अंदर जो है वो यूपी पुलिस की तरफ से फिलहाल दी जा रही है। अगर किसी के पास इस तरीके का पास नहीं है तो उसको वापस जो है वो भेजा जा रहा है। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी है। नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू के ऐलान से बाजार सिहर गए, कारोबारियों में मायूसी छा गई। थोड़ा बहुत अब काम स्टार्ट हुआ था लेकिन नाइट कर्फ्यू तो काफी काम पे हमें फर्क पड़ेगा, काम है ही नहीं तो काफी नुकसान होगा, यानी काम है ही नहीं, पहले से बिल्कुल ही काम नहीं है मार्केट में। नाइट में थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, बस बीच में ऐसे भी काम था नहीं, मार्केट बंद करवा रहे थे प्रशासन 10 बजे पर, थोड़ा सा बहुत टाइम दिया था बीच में, लेकिन अब फिर नाइट कर्फ्यू से काम बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, हमारा काम है नहीं मार्केट में बिल्कुल। नोएडा सिटी के अंदर जो भी कस्टमर्स वगैरह होता है घूमने फिरने, शाम के टाइम ही निकलता है, दिन में कोई भी नहीं निकलता है, सब अपना ऑफिस वगैरह के कार्य में लगे रहते हैं। और गर्मी होने की वजह से जो भी अब लॉकडाउन के बाद से जो भी थोड़ा बहुत बिजनेस है अब गर्मियों में वो शाम के टाइम ही बिजनेस है। अब गवर्नमेंट का 10 बजे से जो नाइट कर्फ्यू लगाने जा रही है तो उसे मार्केट में बहुत हानि होगी, कस्टमर भी नहीं आ पाएगा। बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस मीटिंग के बाद 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ में 16 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। कानपुर में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रयागराज में 20 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए फिलहाल इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिन जिलों में कोरोना की स्थिति और गंभीर होगी वहां भी नाइट कर्फ्यू लगेगा, लेकिन यूपी सरकार ने लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। कि लॉकडाउन की बात तो कोई, जैसे अभी जो कल की रात्रि की बैठक के बाद ये तय हुआ था कि जिन जनपदों में 500 से ऊपर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं उन जगह पर प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी मिलकर फैसला ले लेंगे कि वहां के नाइट कर्फ्यू करने के लिए, शिक्षक संस्थाएं बंद करने के लिए, आयोजन बंद करने के लिए, इस तरह के जो भी बड़े बड़े काम है उसको बंद करने के लिए ये जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इसलिए और बाकी और कोई मेजर तरह का एक डिसीजन लेना तो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बाद ही कुछ पता चलेगा। नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटर को 17 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि जिन संस्थानों में लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। नोएडा में अरविंद ओझा के साथ सत्य मिश्रा, लखनऊ आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि यूपी के शहरों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद वहां कैसे हालात हैं। नोएडा, लखनऊ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देर रात का वक्त है और तमाम गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद ही उनको दिल्ली से नोएडा जो है आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। जिसके पास एसेंशियल सर्विस से जुड़ा पास है उसी को जाने की इजाज़त जो है वो फिलहाल नोएडा के अंदर जो है वो यूपी पुलिस की तरफ से फिलहाल दी जा रही है। अगर किसी के पास इस तरीके का पास नहीं है तो उसको वापस जो है वो भेजा जा रहा है। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी है। हालांकि एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको किसी प्रकार से
रोका नहीं जा रहा है, उनका पास जो है वो चेक किया जा रहा है, ई पास, और उसके बाद उनको जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से। लगातार दिल्ली में भी जो स्थिति है, लगातार जो केसेस सामने आए हैं, कल ही कल में अगर बात की जाए तो 7,500 मामले जो है वो सामने आए थे, और उसके बाद नोएडा के अंदर भी जिस तरीके से कोरोना का मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है ताकि लोग घरों से कम बाहर निकले, और साथ ही साथ जिस तरीके की स्थिति है तमाम गाड़ियों की आवाजाही जो है वो तभी जारी है ताकि वो अपना पास जो है वो दिखा सके, उसके बाद ही उनको नोएडा में एंटर किया करने की इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से फिलहाल दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड 19 केसेस के चलते कुछ जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर खड़ा हूं और आपको यहां पर विजुअल्स दिखा रहा हूं कि किस तरह से नाइट कर्फ्यू का यहां पर लखनऊ पुलिस पालन करवा रही है। ये हजरतगंज का मेन चौराहा है, लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है। ये देखिए सामने से एम्बुलेंस जैसे आ रही है, तो एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, उसको रास्ता दिखाया जा रहा है, एम्बुलेंस अभी तुरंत आई है। जो बेसिक नीड्स है सिर्फ उनको अलाउ किया जाएगा, बाकी कोई भी अकारण आवागमन नहीं कर पाएगा। बैरिकेड्स मैंने आपको दिखाए, पुलिस की फोर्स दिखाई। इधर की साइड अगर मैं आपको हजरतगंज में दिखाऊंगा, सन्नाटा है। ये वो रोड है जहां पर ट्रैफिक जाम होता है और रात तक गुलजार रहती है, 12 बजे तक यहां पर सीन्स रहते हैं। विजुअल्स मैंने आपको लगातार दिखा रहा हूं, यहां पर पुलिस की जो फोर्स है वो देखने वाली है किस तरह से आवागमन को रोका गया है। इस रोड के जस्ट आगे विधानसभा है, वहां से और ट्रैफिक आता है चारबाग रेलवे स्टेशन से होता हुआ। थोड़ा सा इस तरफ अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए आप, पूरा रोड जो है पूरा रोड खाली पड़ा है। नाइट कर्फ्यू का दिन है, सिर्फ उनको अलाउ किया गया है जो आप तो मेडिकल कंडीशन की वजह से निकल रहे हैं। दुकानों की अगर आप बात करेंगे, केवल फल सब्जी की दुकानें खुली रह सकती हैं, हालांकि नाइट कर्फ्यू है तो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लखनऊ में कर्फ्यू लगना है। इसमें कोई भी नहीं निकल पाएगा जब तक, अगर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाना है तो आपको पुलिस को टिकट दिखाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लखनऊ में लगभग 2300 के ऊपर केसेस आए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 8500 लगभग केसेस आएंगे, डराने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, वरना ये नाइट कर्फ्यू किस दिन प्रॉपर कर्फ्यू में तब्दील हो जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। समर श्रीवास्तव, आज तक के लिए लखनऊ। कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पुराने फॉर्मूले T3 यानी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी इसे हरा चुके हैं, आगे भी हरा देंगे, बस जरूरत है सावधानी की, गंभीरता से कोरोना के खिलाफ लड़ने की। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। कोरोना पर पीएम का मंत्र, टीका से हारेगी महामारी। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू से वार। सिटी फॉर्मूला पर जोर, कोरोना पड़ेगा कमजोर। कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है, महामारी की रफ्तार बेकाबू है, रोज नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रोज कोरोना से जाने जा रही हैं। महामारी के नए तेवर पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का समर्थन किया लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है, हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें,
और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की हालत पर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, पिछले साल कोरोना को हमने हराया, अब तो तैयारी भी है, वैक्सीन भी है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम का जोर पुराने हथियारों 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ही है। उन्होंने कहा कि इसी फॉर्मूले से कोरोना के खिलाफ जीत मिली, आगे भी मिलेगी। पीएम ने हर राज्य से कहा कि RT-PCR टेस्ट 70% तक बढ़ाएं। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा, वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। पीएम ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को भी बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का 100% टीकाकरण हो। उन्होंने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक देश भर में टीका उत्सव मनाने का सुझाव दिया। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। प्रधानमंत्री ने कोरोना की नई लहर के लिए लोगों की लापरवाही और सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, दवाई भी कड़ाई भी। आज तक ब्यूरो।